viewers, welcome to my channel Lisa Rai. So if you are new in my channel, so first of all subscribe my channel and touch the bell icon. So guys, aaj ka video hindi mein hai kyunki aap sab log hindi mein zyada comfortable hoge, isliye aapke liye maine ye video hindi pe rakha ho. My hindi was not too good, so तब भी मैं ट्राई करूंगी हिंदी में बोलने का. सो गाइस, आज का वीडियो किसके बारे में आपको टाइटल देख के पता चल गया होगा. आज का वीडियो टीनेज स्किन केयर इन विंटर. सो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक दो बातें शेयर करूंगी कि फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर एक, हमारी टीनेज का स्किन बहुत ही सेंसिटिव होता है और टीनेज स्टेज में हमको पिंपल्स प्रॉब्लम भी होता है. सो गाइस, इसमें आप कोई भी बाजार में मिलने वाला सस्ता प्रोडक्ट अपने स्किन पर यूज़ बिल्कुल ना करें. उससे आपका स्किन अच्छा नहीं पर आपका स्किन को डैमेज कर देगा. इसलिए सो गाइस, आप अच्छे प्रोडक्ट यूज़ करें जो आप हमारे स्किन को डैमेज ना करें. सो गाइस, नंबर टू इज़ That, हमारी स्किन टीनेज स्टेज में ऑलरेडी खिला खिला सा होता है. इसको कुछ भी करने का ज़रूरत नहीं है, पर लड़के से भी ज़्यादा लड़कियाँ तो अपने पॉकेट मनी भी सब अपनी स्किन की प्रोडक्ट्स खरीदने पर लगा देते हैं. पर गाइस, ऐसा बिल्कुल मत करिए, क्योंकि अभी आप सब अपने स्किन पे ट्राई करेंगे तो जब एक टाइम आएगा तो आप क्या करेंगे, आप तो बूढ़ी देखने लगोगे. इसलिए गाइस, सो आज मैं वीडियो में जो भी प्रोडक्ट दिखाऊंगी वो मैं अपने डेली रूटीन पर यूज़ करती हूँ. सो गाइस, ये आप भी यूज़ कर सकते हो, लड़का लड़की दोनों ही. सो गाइस, इस वीडियो के स्टार्ट करने से पहले मैं अपनी ये पंजा को निकाल देती हूँ क्योंकि सो गाइस, लेट्स स्टार्ट द वीडियो. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, हम सुबह जब उठेंगे तो अपने मुंह को तो ऑब्वियसली धोएंगे, तो उस समय आप साबुन का यूज़ बिल्कुल ना करें. मैं आपको यहाँ ये सजेस्ट कर रही हूँ कि आप हिमालय फेस वॉश यूज़ करें, और जिसके स्किन पर पिंपल्स प्रॉब्लम है वो आप हिमालय प्यूरिफाइड नीम फेस वॉश वो यूज़ करें. पर मेरे स्किन पे अभी पिंपल्स नहीं है, पिंपल्स का प्रॉब्लम नहीं है, तो विंटर में मैं ये एलोवेरा और क्यूकम्बर का फेस वॉश यूज़ कर रही हूँ. ये हमारे स्किन को विंटर में मॉइस्चराइज करेगा. सो ये आपको मार्केट में मिल जाएगा, सो आप इसे मुँह धो लीजिए. सो मैंने तो अपना फेस ऑलरेडी वॉश कर चुकी हूँ. सो गाइस, ये मुझे अभी नहीं करना है. सो क्रीम के लिए आप ये हिमालय बेबी क्रीम यूज़ करिए. यस, आप सोच रहे हो ये तो बच्चा लगाता है, बट नहीं, आप ये यूज़ करिए बिकॉज ये हमारे स्किन फेस को भी सूट कर लेते हैं और इससे कोई भी हमारे स्किन को साइड इफेक्ट भी नहीं होगा. तो मैं तो यही यूज़ करती हूँ. सो गाइस, अपने फेस पर ये क्रीम यूज कर लेती हूँ. ये क्रीम लड़का हो या लड़की हो, दोनों ही अपने स्किन पर यूज कर सकते हैं. सो गाइस, इसे हमारा फेस मॉइस्चराइज हो जाएगा और इसे हमारे फेस को कोई भी केमिकल रिएक्शन भी नहीं होगा. सो इफ आप दो गोरा देखना चाहते हो तो आप ये पाउडर का यूज़ कर सकते हैं. ये कॉम्पैक्ट पाउडर आता है, ये मेबेलिन का आता है. मैंने तो मेबेलिन का भी यूज़ कर रही हूँ, इसमें लैक्मी का भी आता है. पर लैक्मी मेबेलिन जैसा ही प्रोडक्ट आप अपनी स्किन पर यूज़ करें, क्योंकि ऐसा कॉम्पैक्ट पाउडर बहुत सारे मार्केट में आ लेता है, तो उसे आप बिल्कुल यूज़ ना करें. सो मैं अभी मेबेलिन का यूज़ कर रही हूँ. सो गाइस दिस, तो इसमें आपको एक स्पॉन्ज भी मिल जाएगा, इससे आप इस पाउडर को हल्का हल्का सा क्रीम के ऊपर, पहले क्रीम इसके बाद इसको अपने हल्का हल्का सा आप इसे लगाए. इसे लगाने के बाद आप ऑलरेडी गोरा देखोगे. आपका स्किन का कलर कौन सा है इसमें आप ये ले सकते हो. ये आपके स्किन पे ये बहुत
कलर मतलब बहुत सेट में मिल जाएगा। सो गाइस मैंने ये यूज़ कर लिया है। सो थर्ड इम्पॉर्टेंट इन विंटर इज़ आवर लिप्स। हमारे लिप्स बहुत विंटर में सूखा सूखा सा होता है, तो मैंने अभी लिया है दो चीज़। एक है वैसलिन पेट्रोलियम जेली एंड नंबर टू इज़ दिस लिप बाम। ये ब्लू हेवन का है। सो गाइस इसे आप 5 रुपये में कहीं भी से परचेस कर सकते हैं और ये आपको कोई भी कॉस्मेटिक दुकान में आपको मिल जाएगा। ब्लू हेवन का लिप बाम इसका भी आपको 75-80 रुपीस में ये दोनों मिल जाएंगे। सो आप ये भी यूज़ कर सकते हैं, ये भी यूज़ कर सकते हैं। मैं अभी ये यूज़ कर रही हूँ अपने लिप्स पर, इससे हमारे होंठों को मॉइस्चराइज मिलेगा। सो गाइस इफ़ आपको मेकअप करना बहुत अच्छा लगता है तो कोई भी ना करिए, अवॉइड कर दीजिए। और मैंने अभी यह आई पेंसिल लिया है। सो अपने काजल लगाने से बहुत फ़ायदा होता है, सो इसलिए और मैंने मेरे इस चैनल पर होममेड काजल कैसे बनाते हैं उसका वीडियो ऑलरेडी डाला हुआ हूँ। सो उसे आप देखकर घर पे ही होममेड नेचुरल काजल बना सकते हैं। तो अभी मेरा होममेड काजल फिनिश्ड हो गया है, तो इसीलिए मैं ये पेंसिल का यूज़ कर रही हूँ। आप अपने आईज पर ये अप्लाई करिए। सो गाइस आप देख सकते हो। सो गाइस ये अपने डेली रूटीन में मैं यही करती हूँ, इससे हमारा स्किन नेचुरल भी देखेगा और हार्मफुल प्रोडक्ट से भी। आपको कोई भी मामूली सा बॉडी लोशन लगाने के कमेंट नहीं करूँगी। आप ये वैसलीन अपने हैंड पर भी लगा सकते हैं, ये देखिए इससे भी हमारा हैंड को मॉइस्चराइजर हो जाएगा। आप इसको अपने पैर में भी लगा सकते हैं। और आपको मैं तो ये बॉडी लोशन यूज़ कर रही हूँ, ये ब्लॉमिंग ब्लॉक्यूट वाला, ये मैंने मिनी शो से लिया हूँ। सो इससे भी ये बॉडी लोशन भी बहुत अच्छा है, इसका खुशबू बहुत अच्छा है गाइस, इसका खुशबू बहुत अच्छा है। आप भी अगर आपको ये मिनी शो में मिल गया तो आप ये ज़रूर लेना। सो गाइस अपने स्किन पर मैं ये कर रही हूँ, इससे आपकी स्किन का रंग ही चेंज हो जाएगा। देखिए गाइस इसका खुशबू के बारे में क्या कहूँ, ये बहुत अच्छा है गाइस। और इसी तरह से मैं इधर भी ऐसे यूज़ कर सकती हूँ। सो गाइस ये देखिए, ये देखिए गाइस आपकी स्किन में एक चमक आएगा। देखिए गाइस सो बॉडी लोशन तो मैंने ये यूज़ कर लिया। आज का वीडियो इतना ही है। आपको फिर भी किसी चीज़ के बारे में वीडियो चाहिए तो आप नीचे कमेंट करिए, मैं उसके बारे में वीडियो बनाने का ट्राई करूँगी। सो गाइस आई होप यू लाइक दिस वीडियो, सो लाइक कर दो यार। सो गाइस सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। सो नेक्स्ट टाइम फिर मिलेंगे। सो सी यू गाइस, बाय बाय।